नमस्कार, 5 टेनों में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में शासन व्यवस्था पर कर्मकांडी धार्मिक रीतियों का कभी भी प्रादुर्भाव नहीं रहा है। पूरी भारतीय संस्कृति प्रागैतिहासिक काल से लेकर पुख्ता ऐतिहासिक काल के शिलालेखों तक इस बात की गवाह है कि हर काल में शासन व्यवस्था केवल मानवीय सिद्धांतों को सर्वोपरि मानकर चलती रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्मकांडी रीतियां समय अनुसार बदलती रहती हैं। इसका गहरा संबंध भारत की भौगोलिक व क्षेत्रीय विविधता से भी रहा है। इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि राजनीति और धर्म का समन्वय भारत में इस तरह रहा है कि हर काल व दौर में सत्ता केवल सर्वजन हिताय के सिद्धांत से इस प्रकार अभिप्रेरित रही कि मानवता इसकी केंद्रीय शक्ति बनी रहे। आधुनिक भारत का पूरा संविधान इसी मानवता के सिद्धांत के चारों तरफ घूमता है और ऐलान करता है कि राष्ट्र का निर्माण और गठन इसमें रहने वाले लोगों से ही बनता है, अतः उन्हें अधिकाधिक सशक्त, सबल, स्वस्थ व शिक्षित बनाना प्रत्येक सरकार का पहला दायित्व होता है। इसी में जीवन जीने का अधिकार आता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करना सत्ता का दायित्व बनता है। पैराग्राफ। अतः देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को जो हिदायत दी है कि प्रस्तावित कावड़ यात्रा का आयोजन लोगों की जान से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता, पूरी तरह भारत की मिट्टी में रची बसी मानवीय के प्रदर्शन को ही नमूदार कथा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने कोरोना संक्रमण से उपजी स्वास्थ्य चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी धार्मिक रीति का महत्व मनुष्य की जान से ऊपर नहीं हो सकता। भारत के हर गांव व कस्बे में बोली जाने वाली यह कहावत जान है तो जहान है। अध्यात्म और भौतिकवाद के स्थूल अंतर की विवेचना इस प्रकार
करती है कि जीवन ही सभी प्रकार के रूहानी व जिस्मानी रवायतों का वजूद होता है, अतः इसके बिना दुनिया का कोई भी कारोबार नामुमकिन होता है। वैसे बहुत ही सामान्य तर्क से यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य के गांवों में वैज्ञानिक सोच को पनपने देने के लिए कावंड यात्रा की परंपरा या रीति के आवरण में छिपने का प्रयास केवल इस वजह से कर रही है कि राज्य में 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, वरना राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के दौरान जिस तरह हजारों लोगों की लाशें गंगा जी में तैरती हुई मिली थी, उसे देखते हुए राज्य सरकार को स्वयं ही कांवड़ यात्रा को स्थगित कर देने का ऐलान कर देना चाहिए था, परंतु इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। इसकी वजह पुरानी गलतियों से सबक सीखना भी माना जा रहा है, क्योंकि विगत मार्च महीने में जिस तरह हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजन को उत्तराखंड के तत्कालीन नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरी झंडी यह कहकर दी थी कि गंगा मैया कोरोना को खुद धो देंगी, उससे केवल उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों के नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ा था। समाप्त।